दोस्तों आदाब अर्ज़। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। बंगाल असम तमिलनाडु के चुनाव के एन बीच में बनारस की ज्ञान बापी मस्जिद की खुदाई और उसका सर्वे का कोर्ट द्वारा आर्डर आ गए हैं कि पता लगाओ कि यहाँ पे पहले मंदिर था या मस्जिद थी, जो कि 100% डिक्लेयर हो रहा कि वहाँ मंदिर था, लिहाजा मस्जिद तोड़ी जा सकती है। ये चुनाव का पूरा स्टंट शुरू हो गया है, वो भी ऐसी सिविल जज के द्वारा ही ऑर्डर पास हुआ, सिविल जज के द्वारा जिसका तबादला हो चुका था और चार देने के पहले ही उसने फैसला दे दिया। कहाँ तक आपको ये बता रहे कुछ पॉइंट्स हैं कि सार्थक हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस सिविल जज ने एक ऐसे मामले पर अपना फैसला दिया है जो कि हाई कोर्ट में का मामला है, वहाँ पर बहस कंप्लीट हो चुकी है और ऑर्डर सुरक्षित रखे जा चुके हैं। वहाँ पर इन्होंने उस फैसले पर फैसला दे दिया जिसको माना जा रहा है कि फैसला सबको पता ही होगा कि वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कुछ मुसलमान हो कुछ हिंदू हो, वो जाके वहाँ पे सर्वे करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसा ही कुछ बाबरी मस्जिद के ज़माने में हुआ था, लेकिन फैसला सिर्फ और सिर्फ वही निकला था कि यहाँ पे मंदिर है। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट में फैसला कंप्लीट पड़ा हुआ है, ऑर्डर होना है क्या होते हैं, लेकिन इसके पहले ही सिविल जज ने फैसला दे दिया। और जबकि 1991 में इस फैसले के ख़िलाफ़ जिससे देश के किसी भी धार्मिक स्थल को जो कि 1945 से किससे पहले है उसको परिवर्तन किसी भी तरीके से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो जिसका है वो उसका है। केवल बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को इस बात में छोड़ा गया था 1919 के एक्ट में, क्योंकि उसका कैसे मामला खुद चल रहा था कोर्ट में। अब एक सिविल जज ने इन सब कानूनों को ताक में रखते हुए ध्वस्त करते हुए बिल्कुल वैसा ही फैसला दिया जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ने बाबरी मस्जिद के बारे में दिया था कि यहाँ तो बाबरी मस्जिद थी जिसको गिराया गया, उसका मलबा था, लेकिन आस्था को देखते हुए ये जगह रामलला विराजमान को दी जाती है। कर लीजिए आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, यानी कि देश में पूरा खुल्लम खुल्ला खेल फरक्कावादी चल रहा है। हालांकि इसके अपील करने के से की बात चल रही है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड सब कह रहे हैं कि हम इसकी अपील आगे करेंगे, लेकिन मामला विवादास्पद हो गया है। ज्ञान बापी का इतिहास यह है कि कहा जाता है कि यह शंकर का एक स्वयंभू लिंग का यहाँ पर प्रकट हुआ था, तब से बन रही है उसका हजारों साल पुराना वो देते जिसका कोई इतिहास अभी तक नहीं है। लेकिन इस मंदिर का उल्लेख अकबर के ज़माने में राजा मानसिंह द्वारा इसको बनाए जाने में ज़रूर मिलता है। औरंगजेब को पर आरोप है कि उसने इस मंदिर को तोड़ दिया था, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है पूरी कि औरंगजेब ने इस मंदिर को किस तरीके से तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, उसकी वजह पूरी की पूरी एक युद्ध स्तरीय थी, क्योंकि वहाँ के तहखाने में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी, लिहाजा उसने तहखाना ढा दिया था, मंदिर नहीं गिराया था, तहखाना ढा दी थी, मंदिर अभी भी सुरक्षित है। और तहखाना घटाने के बाद उसने कई वहाँ के जो पुरोहित संत थे उनको गिरफ्तार किया था और एक औरत को वहाँ से बरामद किया था जो कि उसके सेनापति मानसिंह की पत्नी थी औरंगजेब के। उसके बाद उसने ही उसके किसी सिपा सालार ने उस वहाँ पर वो ज्ञान बापी मस्जिद तामीर की थी। हम और हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, और भी विवादास्पद होगी, विवादास्पद न होती तो ये बात आगे न बढ़ती। ऐसे मौके में जब चुनाव चल रहे हैं, विवादास्पद मामला पड़ा हुआ है, ऐसे में एक मंदिर मस्जिद का एक अलग से काशी की मंदिर मस्जिद का मसला खड़ा करके और उस पर ऐसे फैसला विवादास्पद फैसला देना जिसके बारे में बिल्कुल 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 क्लियर है कि ये फैसला किस तरफ जाएगा, तो क्या ये बिल्कुल खुला खेल फरक्कावादी नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ? और ऐसे जज के देना जिसका ट्रांसफर हो गया वहाँ पर, सोचने की बात है। अब कोर्ट में फिर से हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन विवाद तो आ गया है, अखबारों में हेडलाइन तो बनने लगी है, भाजपा के लोग अब इससे फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात अगर TMC के लीडर जो है ममता बनर्जी करती हैं तो उनके ऊपर EC संज्ञान ले लेती है, यहाँ EC बिल्कुल खामोश बैठती है। सोचने की बात है, सोचिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।